आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अभी और गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी जो है रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की। तो राजधानी एमपी समेत देश के इन राज्यों में 3 दिनों तक तेज गर्मी का अनुमान। 19 तारीख से फिर आंधी तूफान के साथ बारिश का दौर होगा शुरू। देश में एक बार फिर से गर्मी का सर जो है शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि एमपी राजस्थान में आज से अगले 2-3 दिन तक जो है गर्मी पड़ेगी। 19 तारीख से यहाँ फिर से आंधी तूफान के साथ बारिश होगी। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में 4 दिन तक जो है तेज बारिश की संभावना है, यानी 4 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में आज तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश में आज हीटवेव का भी अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल, तमिलनाडु के कई जिलों में तापमान 38 से 40 के बीच पहुंच गया है। यह तापमान में बढ़ोतरी के आसार है। इधर उत्तरी राज्यों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कल जो है बर्फबारी के साथ बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग में स्नोफॉल से सड़कें बंद हो गई। वहीं किश्तवाड़ा में जो है हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम खराब होने के चलते जो है रामबान में लैंडस्लाइड भी जो है वो हुई है। वहीं एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ में तापमान फिलहाल 38 के आसपास बना रहेगा। मौसम विभाग ने जो है जो जानकारी दी उसके मुताबिक मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जो है अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है, यानी बारिश होगी। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी चलने के आसार है। वहीं गुजरात, तमिलनाडु, केरल, गोवा में तेज गर्मी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में कुछ इलाकों में हीट वेव चल सकती है। वही मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और मतलब जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओले गिर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल में धूल भरी आंधी चलेगी। केरल में तेज बारिश भी होने के आसार जताए गए हैं। तो 18 तारीख के बाद जो है मौसम में बदलाव देखने को मिल जाएगा, यानी पश्चिम विक्षोभ नया सक्रिय हो रहा है। उसके बाद से जो है कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। फिलहाल एमपी, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में धूल भरी आंधी की चेतावनी है। इन राज्यों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लू चलने के आसार जताए गए हैं। तो तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति फिलहाल जो है वो देखने को मिल रही है। और इस बार का मानसून का अपडेट भी आ चुका है। इस बार सामान्य से बेहतर मानसून रहेगा। यहाँ पर राजधानी दिल्ली, एमपी और राजस्थान और देश के 20 राज्यों में अच्छी बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जो है अपना जो इस साल का जो अपडेट जो है वो जारी कर दिया है, यानी मानसून को लेकर उन्होंने जो जानकारी जो है वो दे दी है कि इस बार कैसे यहाँ पर मानसून की स्थिति रहने वाली है, कैसी बारिश होने वाली है। तो इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश की बात कही गई, 104 से लेकर 110 यहाँ पर फीसदी बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। इसे बेहतर माना जा है, इसको बेहतर माना जाता है, ये फसलों के लिए अच्छा साबित है, यानी अच्छा संकेत यहाँ पर है। वही मौसम विभाग ने बताया कि 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। 4 महीनों के मानसून सीजन के लिए लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA 868 mm यानी 86.86 सेंटीमीटर होता है, यानी मानसून सीजन की कुल बारिश इतनी होनी चाहिए। वही से पहले जो है 9 तारीख को प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर ने भी मानसून का पूर्वानुमान जारी किया था और सामान्य मानसून की बात कही थी। 104 से 96% बारिश की बात कही थी 4 महीनों में, यानी जून से लेकर सितंबर तक। वही भारत में आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरल के रास्ते आता है। 4 जून की बरसात के बाद यानी सितंबर के अंत तक राजस्थान के रास्ते इसकी वापसी हो जाती है। वही अब कुछ राज्यों के हम आपको नाम बता रहे हैं जहां पर इस बार ज्यादा बारिश होगी। इस बार मानसून में ज्यादा बारिश होने वाली बात कही गई है। 20 से ज्यादा राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। इसमें केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी और तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और दादरनगर हवेली और दमन दीव में जो है इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने वाली है। वही सामान्य बारिश की बात कही गई है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, लद्दाख में यहाँ पर सामान्य बारिश होगी, बराबर बारिश होने वाली है। वही 6 राज्य ऐसे बताए गए जहाँ पर इस बार कम बारिश होने का अनुमान जताया गया। इसमें ओडिशा, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा है। यहाँ पर सामान्य से कम बारिश होने की बात कही गई है, सामान्य से कम बारिश जो है वो हो सकती है। तो मानसून मीटर जो है वो आ चुका है। इस बार अच्छी बारिश की बात कही गई है, बहुत ज़्यादा बारिश इस बार होगी, सामान्य से ज़्यादा बारिश की बात यहाँ पर कही गई है। ज्यादातर इलाकों में जो है अच्छी बारिश की बात यहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कही गई है। ज्यादातर इलाकों में अच्छा इस बार मानसून जो है वो रहने वाला है।
अब आपको राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों को बता देते हैं, यानी अलग अलग राज्यों के ओर से जो मौसम समाचार निकल के सामने आ रहे हैं उनकी बात अगर करें तो सबसे पहले आज बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मौसम अपडेट की बात राजस्थान से ही कर देते हैं, क्योंकि राजस्थान में मौसम में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिला, दरअसल राजस्थान में मौसम का विधान बदल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजस्थान में पहले चरण में 19 तारीख को वोटिंग होगी। लोकसभा वोटिंग के दिन भी मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में जनता और अफसर दोनों की चिंता बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपडेट दिया कि राजस्थान में एक दो दिन मौसम साफ रहेगा, दो तीन दिन मौसम साफ रहेगा, उसके बाद अचानक मौसम पलटी खाएगा और 18-19 तारीख को वोटिंग के दिन आंधी बारिश की संभावना है। अब अगर मौसम विभाग का प्रेडिक्शन सही निकलता है तो 19 तारीख को मौसम खराब रहने वाला है, जिससे अब सच चिंतित है। चुनाव आयोग के अनुसार 19 तारीख को जो लोकसभा की 12 सीटों पर वोटिंग होगी, मौसम विभाग के अनुसार लगभग सभी सीटों पर जो है बादल छाए रह सकते हैं, यानी सभी सीटों पर चुनाव पर बादल छाए रह सकते हैं। कुछ स्थानों पर आंधी संग ओलावृष्टि की भी आशा जताए गए। तो ये राजस्थान के मौसम को लेकर फिलहाल बड़ा अपडेट है। राजस्थान में नया पश्चिम विक्षोभ कल से एक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से जो है मौसम में उतराव चढ़ाव की स्थिति रहेगी। बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में फिर से बदलेगा मौसम, का इलाकों में चेतावनी जो है वो जारी हो चुकी है। दरअसल पंजाब में भी मौसम बदलने वाला है, पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग की ओर से जानकारी है, उसके मुताबिक आगामी 24 घंटों में पंजाब के कई इलाकों में बारिश होने की, यहाँ पर मतलब मानसून जो है मौसम जो है वो साफ रहेगा, लेकिन 18 तारीख से जो है ज्यादातर इलाकों में जो है बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है, किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बारिश में किसानों को नुकसान पहुंच सकता है। बिहार के मौसम की बात करें तो 38 जिलों में मौसम में फिलहाल बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन पछुआ हवा के कारण 9 जिलों में तापमान 40 से ज्यादा पहुंच चुका है। दरअसल बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के अंदर जो है आज मौसम सामान्य रहेगा, पिछले कुछ दिनों की तुलना में अधिक गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा सूक्ष्म हवा ने जो है पटना समेत राज्य भर में जोर पकड़ लिया है, इस वजह से राज्य के ज्यादातर इलाकों में तापमान 2-4 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कल 9 जिलों में पारा 40 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, यानी पारा जो है वो लगातार बढ़ रहा है और आगामी दिनों में इसी स्थिति जारी रह सकती है। ज्यादातर इलाकों में जो है मौसम में इसी तरीके से तैयार रहने वाली है। तो ये कुछ बदलाव की स्थितियां जो है वो ज्यादा इलाकों में देखने को मिल रही है। तो मौसम विभाग की ओर से फिलहाल जानकारी दी गई है। यूपी की बात करें तो यूपी में बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन ये बारिश 18 तारीख के बाद होगी और से बारिश से कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं कि इस वीडियो को आप देख कैसे रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि रोजाना आपको मौसम की जानकारी हमें मिलती रहे।